जब हम कई बार धोखा खा चुके होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये दुनिया चतुर लोगों की है, चालाक लोगों की है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह अगर आपको चतुर लोगों से, चालाक लोगों से निपटना है तो आपको भी चतुर चालाक बनना पड़ेगा, वरना चालाक लोग आपको अपनी चालाकी से इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए इतने भी सीधे मत बनो कि जिंदगी के आखिर में आपको बर्बादी मिले। अगर आपको चैन से जीना है, चार लोगों में अपना जलवा बिखेरना है, मतलबी लोगों को सबक सिखाना है, अपने से जलने वाले लोगों को और जलाना है, तो आपको चतुर चालाक बनना ही पड़ेगा। क्योंकि एक सीधा इंसान चार पैसे तो कमा सकता है लेकिन चार लोगों को अपने इशारे पर नचा नहीं सकता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जो आपको चालाकी से भर देंगी, और 10वीं टिप तो आपकी जिंदगी ही बदल देगी। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, आपको कभी भी लड़ाई झगड़ों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपकी चालाकी इस बात से पता चलती है कि आप विवादों से कितना बचे रहते हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ों से सिर्फ नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। हो सकता है किसी विवाद में गलती किसी और की हो, लेकिन उस गलती का सारा दोष आपके सर पर आ सकता है। ऐसे में आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो हमसे जलते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, हमें फंसाने के लिए उकसाते हैं। ऐसे में वो लोग हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी चतुराई से उस मुसीबत से बचना है, इसलिए आपको चतुर चालाक बनना ही होगा। दूसरी बात है, अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखें, उन्हें किसी के भी सामने जाहिर ना होने दें। ज़्यादातर लोग भावनाओं में आकर अपने करीबी लोगों को अपनी कमजोरियों के बारे में बता देते हैं। ऐसे में वो ये भूल जाते हैं कि हमारे सबसे करीबी इंसान भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हमें बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को छुपाकर ही रखना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग हमारा भला कभी नहीं चाहेंगे। ये समझने की चालाकी आप में होनी चाहिए। इस दुनिया में उन्हें ही सबसे ज्यादा दबाया जाता है जो सीधे होते हैं, इसलिए आपका चतुर चालाक होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, अपना हर फैसला चालाकी से लो, दूसरों के कहने पर फैसले लेने से बचो। कुछ लोग इतने जड़बुद्धि होते हैं कि उन्हें कोई भी कुछ भी उल्टी सीधी सलाह दे दे, वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हैं। मेरे दोस्त, आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप जो भी फैसला लें चालाकी से लें, वरना आप खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाओगे। क्योंकि हो सकता है जिसकी बात मानकर आपने फैसला लिया है वो आपके दोस्त के रूप में छुपा आपका दुश्मन हो सकता है। इसलिए इतना तो चतुर चालाक बनो ही कि सामने वाला इंसान आपके दिमाग से खेल ना सके। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई अग्री जरूर लिख देना। चौथी बात है, धोखेबाज और मतलबी लोगों से सावधान रहें। मान लो आप चार लोग कहीं घूमने गए हो और वो तीन लोग झूला झूलने की जिद कर रहे हैं, लेकिन आपको झूला झूलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में आप अपनी इच्छा का नहीं दूसरों की इच्छा का ज्यादा ध्यान रखते हो और झूला झूलने को तैयार हो जाते हो। बुरा मत मानना, पर ऐसे लोगों का चालाक लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। चालाक लोग ऐसे लोगों से अपने उन कामों को भी करा लेते हैं जिन कामों को उन्होंने कभी नहीं किया होता। इसलिए मेरे दोस्त, आपको अपनी इच्छा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करोगे तो आप अपनी मर्जी का मालिक नहीं बन पाओगे, और जो इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता वो इंसान चतुर चालाक नहीं हो सकता। पांचवी बात है, सामने वाले इंसान के बोलने के तरीके से इंसान की पहचान करें। इस दुनिया में एक से एक धूर्त और मक्कार लोग भरे पड़े हैं। वो अपना असली चेहरा छुपाने के लिए अच्छा होने का, हमारा भला चाहने का नाटक करते हैं। जब उन्हें हमसे कोई काम होता है तो वो हमारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, भले ही वो अंदर से हमें बर्बाद देखना चाहते हो। ऐसे लोगों को पहचानने की चालाकी आप में होनी ही चाहिए, वरना ये लोग आपको दीमक की तरह धीरे धीरे चाट चाट कर खोखला कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में आप दुनिया के सामने एक मूर्ख इंसान बनकर रह जाओगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको सामने वाले इंसान के बोलने के तरीके से उसे पहचानने की चालाकी आनी चाहिए। छठी बात है, इतने भी ईमानदार मत बनो कि अपनी गलतियों को सबको बताते फिरो। कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उसे पूरी दुनिया को बताते फिरते हैं। ऐसे में हर कोई उन्हें बेकार समझना शुरू कर देता है, उनकी वैल्यू नहीं करता। एग्जांपल के लिए, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते थे और आपने वहां बहुत सी गलतियां की जिसकी वजह से उस कंपनी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर आपने दूसरी जगह जॉब पकड़ी, लेकिन आप चालाकी से काम करने की बजाय अपनी पुरानी गलतियों के बारे में हर किसी को बताते फिरते हो। ऐसे में ये कंपनी भी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसलिए चालाकी अपने पास्ट की गलतियों को बताने में नहीं, उन्हें छुपाकर रखने में होती है, अपना भला करने में होती है।
सातवीं बात है, हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर मामलों में शांति से काम लेना चाहिए। गुस्सा हर इंसान में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो इंसान अपने गुस्से पर काबू रखता है और गुस्से में कोई भी गलत कदम नहीं उठाता, ऐसा इंसान ही चतुर चालाक बन सकता है। क्योंकि एक मूर्ख इंसान छोटी सी भी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि बाद में उसे पछताना पड़ता है। अगर आप भी बिना सोचे समझे गुस्सा करना शुरू कर देते हो तो अपनी इस आदत को आज ही बदल लो, क्योंकि ऐसे में आप चालाकी से अपना काम नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले सिचुएशन को समझो, उसके बाद शांति से उस चीज़ का हल निकालो। आठवीं बात है, पैसों के मामले में हमेशा चालाकी रखें। पैसा किसी की भी नीयत खराब कर सकता है, इसलिए आपको पैसों के मामलों में चालाकी रखनी चाहिए, चाहे वो पैसा खर्च करने की बात हो या किसी को पैसा उधार देने की बात हो। क्योंकि पैसा वो पावर है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने अपने दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया, ऐसे में वो तभी तक आपका दोस्त रहेगा जब तक आप अपना दिया हुआ पैसा वापस नहीं मांगते। जिस दिन आपने अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग लिया, उस दिन वो आपका दुश्मन हो जाएगा। और अगर कोई आपका दुश्मन है तो वो कुछ पैसों की लालच में आपका दोस्त बन जाएगा। ये पैसा जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, इसलिए आपको पैसों के मामले में हमेशा चालाकी रखनी चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हो। नौवीं बात है, दिखावा करना और बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। ऐसा करने से चतुराई नहीं मूर्खता नजर आती है। जो इंसान लंबी लंबी छोड़ता है, अपनी औकात से ज्यादा दिखावा करता है, ऐसा इंसान बर्बादी की ओर जाता है, चतुराई की ओर नहीं। क्योंकि जब वो बड़ी बड़ी फेंक रहा होगा तभी लोग समझ जाएंगे कि वो बिल्कुल मूर्ख है। उसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक चालाक इंसान ज्यादा बातें करने से बचता है, और जो इंसान ज्यादा बातें करता है वो इंसान ज्यादा झूठ भी बोलता है। ऐसे वो एक अलग ही दुनिया का राजा बनकर रहता है, और असली दुनिया में मूर्ख तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए और ना ही बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए, ऐसे में सामने वाला आपका मजाक बना सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दसवीं बात है, हमेशा एक रणनीति के हिसाब से काम करें। पहले के टाइम में राजा महाराजा अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक रणनीति के हिसाब से जंग लड़ा करते थे, और जिस राजा की रणनीति ज़्यादा अच्छी होती थी वो जीत हासिल कर लेता था। सेम ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने दुश्मनों को उनकी औकात बताने के लिए एक रणनीति के हिसाब से काम करना चाहिए। देखिए, जब पहले ही आप किसी काम के फायदे और नुकसान सोच लेते हैं तो उस काम के पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपकी चालाकी इसी में है, आप जो भी काम करें एक रणनीति के हिसाब से काम करें। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, सीधापन तारीफों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक सुकून भरी जिंदगी के लिए सीधापन किसी शराब से कम नहीं है। इस दुनिया में चैन से जीने का एक ही रास्ता है, आपकी चालाकी, आपकी होशियारी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग अपने दुश्मन को धूल चटाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। मिलते हैं उन्हीं वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Love you all.